Hi everyone, this is Veronica. आज हम बात करने वाले हैं कोरल रीफ्स के बारे में और स्पेशली कौन से कोरल रीफ्स जो कि वेस्टर्न इंडियन ओशन में हैं यहाँ पे माना जा रहा है कि इन कोरल रीफ्स का कोई लैप्स होने का यानी खत्म हो जाएंगे 50 साल के अंदर अंदर तो क्या थ्रेड्स हैं ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील ट क्या दो तो विकन मेक डिफरेंस चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर पी आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा Uh, पहले देखिए एक चीज यहाँ पे समझिए कोरल रीफ्स को हमने बहुत बार डिस्कस किया है और देखा कि मरीन इकोसिस्टम में कोरल रीफ्स का बहुत इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इनफैक्ट उसके बाद हमने बात की ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ की यूजली हम पहले आपने देखा होगा बहुत सारे लेक्चर्स बनाती थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कोरल रीफ्स को थ्रेट है लेकिन uh, जो लास्ट वीडियो मैंने कोरल रीफ पर ग्रेट बैरियर रीफ पर बनाई थी वो ये बनाई थी कि इतने थ्रेट्स के बारे में वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ की कम्युनिटीज़ एन समझ गए काफ़ी स्टेप्स लेना शुरू किए उन स्टेप्स के बाद अभी रिसेंटली हमने देखा कि वहाँ पे जो कोरल्स हैं वो रिकवर कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ थी ग्रेट बैरियर रीफ के लिए लेकिन अब ये वाला अगेन जो नया असेसमेंट है कोरल रीफ का ये वेस्टर्न इंडियन ओशन पे है जो ये दिखाता है कि वो बहुत रिस्क पे हैं कोलैप्स के और नेक्स्ट फाइव टिकेट्स यानी 50 साल के अंदर अंदर ये कोलैप्स हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे और मेन थ्रेट्स यहाँ पे दो मानी गई हैं एक है आपका ओशन का जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ओशन वार्मिंग हो रही है और दूसरा ओवर फिशिंग ठीक है ओवर एक्सप्लॉयटेशन है ये आपके मरीन रिसोर्सेज की इनको आइडेंटिफाई किया गया है एज मेन थ्रेट्स तो कोरल रीफ्स के बारे में यहाँ पे थ्रेट्स आपको दो मैंने बता दी और ये प्रिंट मीडिया में भी आप न्यूज़ देख सकते हैं कि स्टडी वॉन कर रही है कि खत्म हो सकते हैं फ्रॉम सिशलेस टू डेलगोवा रीजन ऑफ कोस्ट ऑफ मोजाम्बिक एंड साउथ अफ्रीका ये एरिया बता रहे हैं कि किस एरिया को हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो रीफ सिस्टम है वो बहुत रिस्क में है और फंक्शनली 2070 तक हो हो सकता है कि वो एक्सटिंक्ट ही हो जाएं अगर ये एक्सटिंक्ट हो गए तो बायोडावर्सिटी का बहुत लॉस होगा मरीन इकोसिस्टम आपका एक बहुत मेजर पोर्शन उसका कोलाप्स करेगा इससे बहुत से लोगों का रोज़गार चला जाएगा फूड सोर्सेज जो हैं बहुत सारे लोगों के वो खत्म हो जाएंगे और बहुत सारी बायोडावर्सिटी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हम खो देंगे अब देखिए ये सशलिस और इस एरिया की हम यहाँ पे मोजम्बिक और इन एरियाज़ की बात कर रहे हैं जहाँ पे कोस्टल एरियाज़ के साथ साथ आपके रीफ्स पाए जाते हैं अब ये जो स्टडी है ये पब्लिश की गई है जर्नल नेचर में तो नेचर में जो भी चीज़ पब्लिश होती है वो बहुत ऑथेंटिक होती है यहाँ पे इन्होंने कोरल रीफ्स को दस कंट्रीज़ में देखा वेस्टर्न इंडियन ओशन के साथ में और हेल्थ देखी उनके सब रीजन्स की और जो आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर है नेचर है आई यू सी एन रेड लिस्ट में इको सिस्टम्स के जो फ्रेमवर्क हैं उसके हिसाब उसके साथ कंपेयर करते हुए जो डेटा अवेलेबल था मेथड्स को यूज़ किया गया प्लांट और एनिमल के रिस्क देखा कि कितना रिस्क है एक्सटिंक्शन का तो पहली बार रिसर्चर्स यहाँ पे असेस कर पाए हैं कि क्या खतरा है क्या वर्नरेबिलिटी है हर एक इंडिविजुअल रीफ की पूरा जो वेस्टर्न आपका इंडियन ओशन आता है उसके साथ साथ और उन्होंने मेन थ्रेट्स को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया तो यहाँ पे उन्होंने यही निचोड़ निकाला अपनी पूरी रिसर्च का कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर सकता है और ये एक ऐसी डैमेज है जो इिवर्सिबल है हम इसको वापस से ठीक नहीं कर सकते रिवर्स नहीं कर सकते ओशन वार्मिंग से क्या होगा आपके कोरल हैबिटेट्स ऑलरेडी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे राइट right? कोरल ब्लीचिंग भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कोरल ब्लीचिंग की भी यहाँ पे बात की गई कि जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ग्लोबल हीटिंग हो रही है तो इससे ब्लीचिंग इवेंट्स हो रहे हैं कोरल बहुत ब्यूटीफुली कलर्ड होते हैं तो जब इनका कलर चला जाता है अब ये कलर किस वजह से होता है एक एलगी होती है जू जान्थला ठीक है कोरल्स इसके साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप्स में रहते हैं ये एलगी कोरल्स के लिए खाना बनाती है और इंटर्न कोरल उसको प्रोटेक्शन देते हैं रहने की जगह देते हैं जब ये जूस एंथेला कोरल से अलग हो जाती है दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं जब अलग हो जाएगी तो कोरल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बिकॉज दे नॉट मेक देयर ओन फूड तो यहाँ पे ब्लीचिंग इवेंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं जब एल्गी एक्सपेल हो जाती है कोरल के टिश्यूज से तो वो कंप्लीटली वाइट हो जाते हैं जिसको हम कोरल ब्लीचिंग कहते हैं ईस्टर्न साउथ में गैसकर कॉमरोस और आपके मैस्करीन आइलैंड्स जो हैं इनको आइडेंटिफाई किया गया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड यहाँ के कोरल बिल्कुल एंडेंजर्ड है कोरल ब्लीचिंग को यहाँ पे समझिए वैसे मैंने आपको बताया हेल्दी कोरल जो होगा कोरल दोनों आपको साथ में नजर आएंगे ब्यूटीफुली कलर्ड दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं फॉर फूड फॉर वन और द अदर बेनिफिट जैसे कोरल्स का सिंपटिक रिलेशनशिप है इस माइक्रोस्कोपिक एलगी के साथ जिसका नाम जू जान्थला है और एक जो एलगी है वो कोरल्स को फूड प्रोवाइड करती है और कलर दे रही है बाकी वो उसको शेल्टर दे रहे हैं अब स्ट्रेस्ड कोरल में क्या होगा कि इसमें एलगी चाह मतलब यहाँ से स्ट्रेस हो जाएगी ओशन टेम्परेचर या पोल्यूशन की वजह से एलगी टिश्यू जो है कोरल का उसको छोड़ के जाने लगेगी अलग सेपरेट होने लगेगी और ब्लीच कोरल होगा जब फाइनली आपकी एलगी वहाँ से चली गई है विदाउट एलगी जो आपको कोरल दिखेगा वो ब्लीच होगा तो दिस इज़ कोरल ब्लीचिंग तो रीजन इसके अभी तक जो आइडेंटिफाई किए गए थे वो थे कि टेम्परेचर ओशन का इंक्रीज़ हो रहा है रन ऑफ पल्यूशन सनस्क्रीनस जो लोग लगा के आते हैं ओवर एक्सपोजर टू सनलाइट और लो टाइट्स अलग अलग के रीजन्स थे और ऑब्वियसली ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत सारी इसका रीजन थी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कलरफुल कोरल्स नजर आएंगे और ये आपको ब्लीच कोरल इस तरफ नजर आएंगे तो आप डिफरेंस दोनों में देख सकते हैं ये एक और डेटा है हेल्दी कोरल्स का डिसंबर टू थाउजेंड फोर्टीन का टू थाउजेंड फिफ्टीन में देखिए कैसे ब्लीच हो रहे हैं एंड देन दीज आर द डेड कोरल्स जब फाइनली कोरल्स बचे ही नहीं अब रीफ्स जो है नॉर्थ सेशेलिस में जितना आपका एंटायर ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट है वहाँ पे इन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया है कि ये बहुत वल्नरेबल है कोलैप्स कर सकते हैं ओवर फिशिंग वहां पे रीजन दिया गया है कि बहुत ज्यादा लोग फिशिंग कर रहे हैं ओवर फिशिंग हो रही है स्पेशली टॉप प्रीडेटर्स की जिससे वहां की इकोलॉजी चेंज हो रही है और यहां पे आप डिफरेंट एल्गी जो कोरल्स के लिए सही नहीं है वो बिल्डअप हो रही है तो इसकी वजह से कोरल्स को नुकसान हो रहा है तो कोरल रीफ्स को ओवर फिशिंग से बहुत ज़्यादा नुकसान है अगर इस तरह की इंडिसक्रिमिनेट फिशिंग होती रहेगी राइट right? तो यहाँ पे ये यह स्क्रीनशॉट मैंने डाला है इस पूरी चीज़ का आप इसको डिटेल में देख सकते हैं कि इंडिसक्रिमिनेट फिशिंग क्या है बहुत ज़्यादा जब फिशिंग कर रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा उनके रिप्रोडक्शन रेट से ज़्यादा आप इकोसिस्टम को वहाँ का रिप्लेनिश होने का टाइम नहीं दे रहे थ्रेट्स कोरल्स के लिए क्या है अर्जेंट थ्रेट अभी जो हमें जिससे डील करना है वो है क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा थ्रेट माना जा रहा है और नेक्स्ट 10 साल तो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं अगर नेक्स्ट 10 साल में भी हम कुछ ऐसे अच्छे स्टेप्स ले पाए तो हम इस प्रो इस चीज़ को इसके इनके कोलैप्स को रोक सकते हैं वरना अगले 50 सालों में इनका कोलैप्स होना एक तरह से निश्चित ही आप मान लीजिए क्योंकि अगर टेम्परेचर आपका 1.5 डिग्री सेल्सियस फ्यूचर में चला गया उसको रोकने के लिए हमने अगले दस सालों में कुछ नहीं किया तो ओशन वार्मिंग से आपके कोरल्स का जो इकोसिस्टम है ये पूरा जो हैबिटेट है ये इनका पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो डेफिनेटली नेक्स्ट टेन इयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट स्टेप्स दिस कंट्रीज टेक और ग्लोबल जो लीडरशिप है की दे टेक टू सेव कोरल्स 1950 से वर्ल्ड कोरल रीफ जो है जितना इनका पॉपुलेशन था जितने ये फैले हुए थे ये उससे आधे हो चुके हैं अलग अलग रीजंस की वजह से जो रीजंस मैंने आपको बताया ग्लोबल हीटिंग ओवर फिशिंग पोल्यूशन और ये इकोसिस्टम्स पूरे पूरे डिस्ट्रॉय भी होने लग गए ग्रीन हाउस एमिशन्स आपकी इंक्रीज होने लग गई आपकी फ़िशरी रेगुलेशंस को अगर हम बेटर कर पाएँ तो हम इस चीज़ को थोड़ा रोक सकते हैं लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा हमको सिर्फ अगर हम इस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं तो मैंने आपको बोला सबसे बड़ा खतरा है क्लाइमेट चेंज तो क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए हमको ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कम करनी पड़ेगी फिशरी रेगुलेशंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा तभी हम कोरल्स को सरवाइव करवा पाएंगे अब कोरल रीफ्स कवर ओनली टाइनी फ्रैक्शन अगर वैसे आप देखें तो ओशन का बहुत ही टाइनी फ्रैक्शन ये कोरल्स कवर करते हैं जीरो ओशन फ्लोर का लेकिन ये एटलीस्ट एक क्वार्टर जो आपके मरीन एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनको एंकर करते हैं उनको बांध के रखते हैं उनको एक जगह रखते हैं तो ये एंकर्स हैं मरीन इकोसिस्टम के ये प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन अगर आप देखेंगे स्टॉम्स से देते हैं शोर लाइन इरोजन को बचाते हैं और बहुत सारे लोग इन पर डिपेंड करते हैं वर्ल्ड वाइड तो आप देख सकते हैं कि चाहे 0.2 परसेंट है ये फ्लोर पे लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं और जो हेल्दी रीफ्स हैं वो बहुत वैल्यूबल है डिफरेंट एस्पेक्ट से भी अगर आप देखेंगे बायोडाइवर्सिटी के एस्पेक्ट से देखेंगे इकोनॉमी के एस्पेक्ट से देखेंगे सो दीज कोर आर वेरी वैल्यूबल अब ओशंस का आपको वैसे भी पता है ओशंस क्या हैं कार्बन सिंक है आपका और उसके साथ साथ नाइन्टी परसेंट एक्सेस हीट जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन से या लैंड सरफेस से जो आती है ओशंस उसको एब्जॉर्ब भी करते हैं अगर मतलब ये हमने एक पूरा उसका इको सिस्टम ही ख़त्म कर दिया आप तो सो सोचिए सिर्फ मरीन इको सिस्टम पर नहीं आपका जो टेरिशियल इको सिस्टम है उस पर भी कितना बुरा असर उसका पड़ेगा तो ये जो थ्रेट्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं और कोरल्स की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं तो अभी बहुत ही अर्जेंट नीड है बहुत ही ज़रूरत है इसकी कि इन ग्लोबल थ्रेट्स को ये जो कोरल रीफ को हैं क्लाइमेट चेंज से हम उनको एड्रेस करें अक्टूबर में लार्जेस्ट एवर ग्लोबल सर्वे कोरल हेल्थ को लेके किया गया और यहाँ पे पता चला डायनामाइट फिशिंग पोल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग से 14 परसेंट वर्ल्ड के कोरल 2009-2018 में ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं तो अब क्या हम कर सकते हैं खैर साथ साथ तो मैं डिस्कस कर रही हूँ कि क्लाइमेट चेंज वाले जो भी मुद्दे हैं उनको एड्रेस करना है टेम्परेचर को इंक्रीज होने से रोकना है नेक्स्ट दस साल बहुत क्रूशियल हैं बहुत से कंट्रीज़ छोट छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं उस पर हमने अलग से वीडियोज तो बनाया था जहाँ पर सनस्क्रीनस को भी बैन किया गया है तो इस तरह से सिंगल यूज़ प्लास्टिक का हम बंद कर सकते हैं सनस्क्रीन को यूज़ करना जो नैनो जिंक ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड इंटॉक्सिकेट्स इंटॉक्सिकेंट से बने रहते हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं इससे रीफ हमारे फिर से फ्लरिश कर सकते हैं तो यही था हमारा डिस्कशन जहाँ पे हमने कोरल्स को क्या ख़तरा है ये डिस्कस किया बट कोरल्स पे और भी बहुत सी वीडियोस हमने बनाई हैं आप वो भी देख सकते हैं और जहाँ पे ये भी बताया कोरल रीफ इन डिटेल क्या है एक तरह का बैरियर आप समझ लीजिए लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं ये और जैसे बताया कि एल्गी के साथ सिम्बॉइटिक रिलेशनशिप में रहते हैं वट गिव कोरल्स देयर कलर तो कलर कौन देता है कोरल्स को जूज एंथले कैस्टिटोमस्ट निमाटोसिस्ट नाइडोसाइट्स तो आप आई थिंक इट्स इजी ना कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं बाकी आप कोई कंफ्यूजन हो कोर्सेज के लिए तो आप वेबसाइट विजिट कीजिए कोर्सेज ई पे भी अवेलेबल हैं थैंक यू सो मच